गाइस मूवीज तो आपने काफी सारी देखी होंगी जो कि बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज होती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने कोई भी ऐसा गेम नहीं खेला होगा जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बना गया हो, है ना। सो आज की वीडियो में आपको 10 ऐसे गेम्स बताऊंगा जो कि रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाए गए हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको करना है वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है ऐसे मजेदार और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। JFK रिलेटेड एक पीसी गेम था जिसको ट्रैफिक नाम के गेम डेवलपर कंपनी ने बनाया था। ये गेम 2004 में रिलीज हुआ था और इसका कॉन्सेप्ट USA के सबसे बुरे दिन पर बेस्ड था। USA के 33 प्रेसिडेंट सर जॉन एफ कैनेडी का ईयर 1963 में गनशॉट के थ्रू मर्डर हुआ था, और वैसे कुछ सीन हमें इस गेम में रिक्रिएट करना होता है, यानी गेम में हमें हिस्ट्री में प्रेसिडेंट के मर्डर को वापस रिक्रिएट करना होता है। इवन गेम के अंदर हमें एक स्कोर सिस्टम भी देखने को मिलता है जो कि ये बताता है कि आप रियल लाइफ की तरह इस गेम में कितना अप्रोच रखते हो। गेम में हमें प्रेसिडेंट के किलर ली हार्वे ओसवाल्ड का रोल प्ले करना होता है। तो इस तरीके का गेम बनाना जिसमें USA के प्रेसिडेंट की डेथ को रिक्रिएट करना और उनका असैसिनेट करना, ऑफकोर्स इस बात से प्रेसिडेंट की फैमिली और USA के लोगों को तो अपसेट होना ही था, और इस गेम पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई। फौजी गेम 26 जनवरी 2021 को एंड्रॉइड डिवाइस के लिए रिलीज हुआ था और इस गेम को अनकोर गेम्स ने डेवलप किया था। गेम इंस्पायर्ड था रियल लाइफ में गलवान वैली में हुए इंसिडेंट से, जहां 15 जून 2020 को इंडिया और चाइना के सोल्जर्स में भिड़ंत हो गई थी, जहां पर सिर्फ हैंडक्राफ्टेड वेपन से ही फाइट हुई थी। और उसी से इंस्पायर्ड होकर इस गेम में हम लेफ्टिनेंट सिंह का रोल प्ले करते हैं और पूरी फाइट सिर्फ हाथ से या मिली वेपन से ही करते हैं। इस गेम को रिलीज होने से पहले इस गेम की काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन जब गेम रिलीज हुआ तो बग्स और बोरिंग गेम प्ले कारण ये गेम फ्लॉप हो गया। ग्रैनी गेम जो कि काफी पॉपुलर हॉरर सीरीज गेम है और अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, क्या आपको पता है ये गेम भी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। जिया गाइस तमारा सैमसन हुआ जो कि ग्रैनी रिपर के नाम से भी जानती थे, ये एक साइको सीरियल किलर औरत थी जिसने एक दिन अपने पोते को घर में कैद कर लिया और अगर वो कोई साउंड करता तो उसे बुरी तरह से बेड से मारती थी और 5वें दिन उसने उसे मार दिया। ग्रैनी ने अपने घर में उसी पति और पोते को ही नहीं मारा बल्कि 11 लोगों को भी मारा जिसमें काफी सारे बच्चे भी थे। उसकी एक फुटेज CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी जिसमें वो शॉपिंग बैग में किसी की लाश को ले जा रही थी। इसके अलावा उसने जिनको भी मारा उनके बॉडी पार्ट्स को वो खा जाती थी। फिर पुलिस को जब पता चला कि उसने इन लोगों को कैद किया था, उनको मार दिया, तब उसको अरेस्ट कर लिया गया और इसी इंसिडेंट से इंस्पायर को एक ग्रैनी गेम बनाया गया था। अलेनोर एक एक्शन एडवेंचर गेम है जिसे रॉकस्टार गेम ने 2005 में रिलीज किया था। ये गेम 1940s में हुए रियल इंसिडेंट पर बेस्ड था, जहां में गेम में लॉस एंजलिस देखने को मिलता है, जहां पर हो चुके कुछ रियल केसेस को हमें सोल्व करना पड़ता है, जिसमें से एक फेमस केस ब्लैक डायला के मर्डर मिस्ट्री को हमें सोल्व करना पड़ता है जो कि 70 साल से अनसोल्व्ड है। ब्लैक डायला जिसका रियल नेम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जिसका मर्डर 15 जनवरी 1947 को लॉस एंजलिस के लियोनार्ड पार्क में मिस्ट्री तरीके से हुआ था। तो इस रियल लाइफ इंसिडेंट को हमें इस गेम में सोल्व करना पड़ता है। ये गेम रॉकस्टार का सबसे अंडररेटेड गेम था। कॉल ऑफ ड्यूटी फ्रेंचाइजी जिसको एक्टिविजन ने डेवलप किया था, इसके अब तक बहुत सारे टाइटल्स रिलीज हो चुके हैं, जिसका पहला गेम कॉल ऑफ ड्यूटी 2003 में आया था। ये एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इंस्पायर था। गेम के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 के काफी सारे इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें सोवियत यूनियन, USA, रशिया, इन सब के वर्ल्ड वॉर 2 में इवेंट्स गेम में दिखाए गए हैं। इसके अलावा गेम में मिशन के अलावा काफी सारे प्लेसेस भी रियल लाइफ से इंस्पायर थे। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम मेरा पर्सनल फेवरेट गेम है, और आपके गेम फेवरेट है यानी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपने रेजिडेंट इवल गेम खेला होगा तो आपको पता हो इसमें काफी सारे खतरनाक जोम्बीज देखने को मिलते हैं। ये फर्स्ट ऐसे गेम था जिसने जोम्बीज को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद आपको पता है इस टॉपिक पे कितने सारे गेम्स और मूवीज बन गई है। अब सवाल ये था कि ये गेम किससे इंस्पायर्ड हुआ था। अब ऐसा तो था नहीं कि डेवलपर को बैठे बैठे आइडिया आ गया कि चलो जोम्बीज पे गेम बनाते हैं। तो जोम्बीज का ओरिजिन हुआ था 1850 के वेस्ट अफ्रीका की हेटी जगह से, जहां पर ब्रिटिशर्स अफ्रीकन लोगों को बंदी बनाकर उनसे काम करवाते थे। तो वहां पर कुछ तांत्रिक होते थे जिनको बॉकर कहा जाता था। वो इंसानों के खाने में कुछ मिलाकर उनको कोमा में डाल देते थे, जिससे उनके घर वालों को लगता था कि ये मर गए, तो उनको वो दफना देते थे। फिर बॉकर आकर उनको कब्र से बाहर निकाल कर कुछ मंत्र या स्पिरिचुअल मैजिक को करके उन्हें जिंदा कर देते थे, लेकिन उनकी फीलिंग्स को एक बोतल में कैद कर देते थे, जिनसे वो इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बन जाता था, जिससे वो उस इंसान को गुलाम की तरह रखते थे और उसे अपना सारा काम करवाते थे। और वो इंसान बिना कुछ थके दिन रात काम करता था और उसे दर्द भी नहीं होता था। तो ये था जोम्बिस का ओरिजिन। फिर एक राइटर हेटी आया और उसे जब इस घटना के बारे में पता चला तो उसने इसके ऊपर एक किताब लिखी, जिसके बाद 1945 के आसपास व्हाइट जोम्बिस नाम की एक मूवी भी बनी। फिर 1996 में रेजिडेंट इवल गेम बना जिसमें जोम्बिस इंस्पायर्ड थे 85 की हेटी में हुए इंसिडेंट से। तो ये था जोम्बिस का ओरिजिन, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और इसी से इंस्पायर्ड होकर फिर रेजिडेंट इवल गेम बना था। असेंशन क्रीड सीरीज यूपीसॉफ्ट की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज में से एक है, और क्या आपको पता है जो असेंशन गेम में दिखाए गए हैं वो हिस्ट्री में पहले भी एग्जिस्ट करते थे। जो रियल असेंशन होते थे उनको पहले ऑर्डर ऑफ द असेंशन कहा जाता था, जो कि सीरिया और पर्शिया में रियल इस्लामिक ग्रुप था, जो कि ट्रेड किलर्स थे, वो सिर्फ इंपोर्टेंट किंग को ही मारते थे। और इतना ही नहीं, असेंशन क्रीड में काफी सारे करेक्टर्स और सिटी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, यहाँ तक कि हिस्ट्री में हो चुकी काफी सारी वॉर्स भी हमें इस गेम में देखने को मिल जाती है। और असेंशन क्रीड गेम में काफी सारे दिखाए गए करेक्टर हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, जिससे एक फैक्ट निकल के आता है
कि असैसिन क्रीड 3 गेम में 80% क्रिएटर्स ऑफ रियल यानी 80% क्रिएटर्स इस गेम में रियल थे जो कि कभी न कभी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे। चूचू चार्ल्स जिसे टू स्टार गेम्स ने डेवलप किया था और अपने रिलीज के थोड़े दिन में यह गेम काफी हिट साबित हुआ। चूचू चार्ल्स बेसिकली एक आदम को ट्रेन का इंजन था जो कि आधा मकड़ी था। ये कहानी शुरू थी एक आइसलैंड से जहाँ पर काफी सारे डायमंड्स और खजाना छुपा था, लेकिन यहाँ पे कोई माइनिंग नहीं करता था क्योंकि ये आइलैंड हॉन्टेड होने के साथ साथ श्रापित भी था। लेकिन चार्लिंग माइनिंग कंपनी नाम की इस कंपनी ने माइनिंग यहाँ पे शुरू कर दी और वहाँ पर जगह जगह पर ट्रेनों की पटरी बिछा दी और अंधाधुंध माइनिंग करके काफी सारा पैसा कमाया। लेकिन ये आइलैंड हॉन्टेड था इसलिए एक भूतिया आत्मा ने एक ट्रेन पर कब्जा कर लिया और वहाँ पर माइनिंग करने वाले सभी वर्कर्स को वो मारने लगी और इस हॉन्टेड ट्रेन का नाम था चूचू चार्ल्स। अब ये गेम तो रियल नहीं है बल्कि ये गेम 2016 में आई रियल बुक चार्ली द चूचू से इंस्पायर था जिसको लिखा था स्टेफन किंग ने, तो इसी बुक से इंस्पायर होकर ये गेम बना और ये गेम काफी हिट साबित हुआ है। अब जो गेम मैं बताने वाला हूँ ये गेम बाकी गेम से काफी अलग है। डेड ड्रैगन कैंसर किसी हिस्ट्री या किसी इवेंट पर बेस्ड नहीं है बल्कि ये गेम दो पेरेंट्स की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने 12 महीने के बच्चे को कैंसर के कारण खो दिया। गेम के डिजाइन और राइटर रेयान ग्रीन और एमी ग्रीन है जिनके बच्चे को टर्मिनल कैंसर था जिसके कारण उनके बच्चे के 12 महीने की उम्र में डेथ हो गई, जिसकी याद में उनके पेरेंट्स ने इस गेम को बनाया जिसमें उनके थॉट्स और उनकी यादें इस गेम में हमें देखने को मिलती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 पे कॉल ऑफ ड्यूटी मेडल ऑफ ऑनर और बैटलफील्ड जैसे काफी गेम्स बने लेकिन ब्रदर इन आर्म्स रोड टू हिल 13 गेम से काफी अलग है। यह गेम नॉर्मंडी में हुए अमेरिकी हवाई लैंडिंग की रियल स्टोरी पे बेस्ड है। गेम काफी ऑथेंटिसिटी और रियलिस्टिक है। गेम के अंदर रियल सोल्जर के साथ साथ रियल मिलिट्री स्ट्रेटेजी से हमें खेलना होता है। यह गेम बेस्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के रियल लाइफ नेरो सर्जेंट हेरिजन और उनकी टीम से। गेम में वर्ल्ड वॉर 2 की वॉर काफी रियलिस्टिक दिखाई गई है। तो गाइस ये थे 10 ऐसे गेम जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड है। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में 20 लाइक एम रखता हूं। आई होप आप 20 लाइक कर दोगे। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।